देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, ठीक है, एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस के आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। जरा यहाँ पे समझना है कि ये जो आकृति दिया गया है, क्वेश्चन को समझना, ये वाला जो हाँ सेट का है, ये सेट का VBI क्वेश्चन है जो कि सेट 1 का तुम्हारा 17 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबरिया वाला, 5 नंबरिया क्वेश्चन है जो कि 5 अंक मिलेगा, इतना सा तुम्हारा जो है क्वेश्चन इतना है बनाना, इतना सा है, 5 नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ना, उसमें ये समझना आकृति को समझना है, जरा ध्यान देना। कहता कि एक ठोस अर्धगोले का है, देखो एक ठोस अर्धगोला हम बना देंगे, देखो अर्धगोला हम बना दिए, ये अर्धगोला है, एक ठोस अर्धगोला बनाए, उसके बाद इसमें ये कह रहा है कि उस पर जो है एक शंकु आकार का अध्यारोपित है। शंकु आकार का अध्यारोपित का मतलब क्या हुआ? मतलब उसके ऊपर है, उसके ऊपर शंकु जो है बैठा हुआ है, तो देखो इसके ऊपर हम ऐसे करके शंकु जो है बैठा देंगे, चलो थोड़ा टेढ़ा होगा, चले दिक्कत नहीं है, चलेगा, सब चलेगा, दौड़ेगा बच्चा, देखो हम शंकु इसके ऊपर जो है अध्यारोपित कर दिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या, यानी कि जिसकी त्रिज्या कितनी है वो 1 सेंटीमीटर दर्शाया गया है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और फिर कहता है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि शंकु की ऊंचाई जो है ये भी कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। अब फिर कहता है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब ठोस कह रहा है, ठोस का मतलब समझना कि ये पूरा आकृति का हमको आयतन ज्ञात करना है, यानी वो भी कि पाई के पदों में, यानी कि इसका पाई का मान नहीं रखना है और उसको ज्ञात कर देना है। देखो सबसे पहले ये समझना, देखो इसकी जो त्रिज्या है अर्धगोला, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या कितनी है वो 1 सेंटीमीटर है, यही ना क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्धगोला का जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिज्या के बराबर जो है शंकु की ऊंचाई है, और शंकु का देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझना, ये वाला जो है ऊपर में ये शंकु दर्शाया गया है, ये वाला शंकु जो है एक अर्धगोला पर जो है अध्यारोपित है, ठीक है, अध्यारोपित है, मतलब जरा ध्यान देना, इसका अगर योग करेंगे और इसका योग करेंगे, यानी शंकु का आयतन का योग और इसका अर्धगोले का आयतन का दोनों का योग कर देंगे तो आंसर मेरा में निकल जाएगा। देखो अब ये बताओ शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताओ, शंकु का आयतन का फॉर्मूला देखो, हम पहले यहाँ पे दे देते हैं कि अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर कहता है देखो शंकु की ऊंचाई, पहले लिख देते हैं शंकु की, शंकु की ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या भी वही है ना, शंकु की त्रिज्या कितनी है, वही दिया है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि शंकु का त्रिज्या 1 ही सेंटीमीटर है, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या के ऊपर जो है अध्यारोपित है और उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर बताया गया है और त्रिज्या के बराबर है। अब देखो अब यहाँ पे कहता है इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, अब दोनों का पूरा जो ठोस बना, अब देखो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, या अर्धगोले का आयतन या शंकु का आयतन, दोनों को हम योग कर देंगे तो अब निकालेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, चलो अब ठोस का आयतन निकालेंगे, ठोस का आयतन में क्या क्या निकालेंगे, पहले है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस हो जाएगा कौन सा, अर्धगोला का आयतन, अर्ध गोला का आयतन, चलो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। अब ये बताओ कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद है, बता, 1/3 पाई r2, चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 पाई r2 × h। अब अर्धगोले का आयतन बताओ, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r3, तो लिखेंगे 2/3 पाई r3, देखो स्क्वायर लिख दिया हम, यहाँ क्यू होगा। अब इसको क्या करेंगे जरा ध्यान देना, अब इस दोनों में हम कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम इसका जो है सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं, क्या करें, डायरेक्ट कॉमन करके बनाएं या ऐसे करके, वैसे ही बनाएं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनाओ, देखो इसको ऐसे करेंगे 1/3 × पाई का मान तो रखना नहीं है, पाई सिर्फ लिख देंगे, और आर का मान कितना है, 1 है ना, स्क्वायर स्क्वायर है तो 1 को क्या करेंगे 2 बार गुना, तो यहाँ पे 2 बार गुना करेंगे गुना, एच का मान कितना है 1, प्लस लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 2/3 × π × 1 × 1 × 1। अब इसको करो 1/3 π, ठीक है, क्योंकि इसको गुना करेंगे एक ही ना आएगा, प्लस लिखेंगे 2/3 π। अब इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं, देखो इसको निकालेंगे 1/3, हम पूरा लघुत्तम निकाल देते हैं, देखो ये 3 हो गया, इसका इसका निकालेंगे 3 हो गया, तो हम इसको करेंगे कितना हो जाएगा, π + 2π बराबर कितना हो जाएगा 3π /
थ्री, तो इसको तीन तीन कटाएंगे कितना हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यू, यही तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ये हुई ना बात, इसी में तुम लोगों का पांच नंबर मिल जाएगा। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, उतारना है उतार लो। उसके ऊपर वाला सर कैमरा नंबर लिया सर क्या सर, उसके ऊपर का जो है सर वीवीआई नहीं है सर।